भाजपा की तरफ से उठाए गए किसी भी मतलब किसी भी निम्न स्तर के सवालों का जवाब देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ आलोक कुमार मेहता हैं, राजद में बिहार में मंत्री हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे ये कहा जा रहा है, सीबीआई कोर्ट ने कहा कि उनको आके जवाब देना होगा, और तेजस्वी यादव एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम बजट सत्र में बिजी हैं, समय नहीं है अभी, कैसे देख रहे हैं आलोक जी? इसमें देखना क्या है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और अभी बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र कितना महत्वपूर्ण है ये सबको सोचने समझने वाली बात है। और यदि सीबीआई कुछ कह रही है तो ऑफिशियली कह रही है, उसका जवाब भी माननीय उप मुख्यमंत्री देना है, इसमें दूसरा क्या कह सकता है? भाजपा वाले लोग ये कह रहे हैं ना कि जो कि डरे हुए हैं जाके जवाब दे वहाँ पे। भाजपा की तरफ से उठाए गए किसी भी मतलब किसी भी निम्न स्तर के सवालों का जवाब देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ आलोक कुमार मेहता जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, और साफ तौर पे जिस तरीके से भाजपा वालों पर उन्होंने जवाब दे दिया है कि भाजपा वाले किसी भी निम्न स्तर या फिर बड़े नेता के जो सवाल हैं या फिर जो भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर हम जवाब नहीं दे सकते हैं, ना हम जवाब देने का उचित समझते हैं। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे सीबीआई द्वारा और ईडी जो समन जारी की गई है, अब ये कहा गया है कि तेजस्वी यादव को जो है आके जवाब देना होगा बिहार, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अभी जो है पटना में है और राजधानी पटना में जिस तरीके से बिहार में बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है उसको लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनके पास जो है समय की अभाव है, व्यस्त हैं बजट सत्र में। लेकिन आलोक कुमार मेहता जो बिहार सरकार में मंत्री हैं राजद कोटे से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो गलत कहाँ कह रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव जो है तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री और एक सेंसिटिव नेता हैं, और जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है ये लाजमी है कि बजट सत्र में जो है तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तो व्यस्त जरूर होंगे। और जो सवाल ये है कि जिस तरीके से भाजपा वाले लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जवाब देना होगा और जाके जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में राव जो है सवाल उनको जो तमाम सवालों का जवाब देना होगा और ये भी उनको बताना होगा, और भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर गलत नहीं किए हैं तो सीबीआई जो एजेंसी है वो स्वतंत्र एजेंसी है, कार्रवाई करना उनका अधिकार है, अगर आप गलत नहीं किए होंगे तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि अगर आप गलत किए हैं तो आपको गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। आपको ये बता दें सुशील मोदी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी काफ़ी हमलावर हैं, और जिस तरीके से बार बार उन्होंने भी ये कहा था कि ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, जिस तरीके से बात अब तेजस्वी प्रसाद यादव पे उठ रही है और जांच एजेंसियां जो हैं लगातार काम कर रही हैं, ईडी जो है समन दे दी, और आने वाले 25 तारीख को राउज एवेन्यू जो सीबीआई की कोर्ट है उसमें तेजस्वी यादव को जवाब देना होगा 25 मार्च को। और तेजस्वी यादव हालांकि अभी बजट सत्र का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बजट सत्र में काफ़ी व्यस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जवाब देना होगा जाके कोर्ट में, और सीबीआई जो है एजेंसी वो काम कर रही है और लगातार जो है लालू परिवार पे जिस तरीके से ये भी लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो आरोप लगा था उसको लेकर भी अब जो है बिहार की सियासत तेज है और पूरे देश में ये चर्चाएं काफ़ी तेज है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जब तेजस्वी प्रसाद यादव बजट सत्र के बाद या फिर बजट सत्र के पहले जिस तरीके से उनको समय निर्धारित किया गया है 25 मार्च को वो जाते हैं दिल्ली, और जिस तरीके से जो सवाल तमाम सवाल को क्या वो जवाब देते हैं और क्या कुछ जो परिणाम निकल कर बाहर आता है वो बात देखने का होगा। लेकिन जिस तरीके से अब राजनीतिक परिवेश जो है बदलते जा रहा है और बिहार विधानमंडल का बजट सत्र में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है उसके बाहर भी अब सदन के बाहर भी चर्चाएं काफ़ी तेज है, क्या कुछ अपडेट जो होगा वो आपको हम हमेशा दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।